साथ में संस्कृत मंत्रों के बारे में एक ही बात नाथ संप्रदाय में और किसी संप्रदाय में कहलाई जाती है। जब शिवजी को उन्होंने पूछा कि आपने तो कहा है कि इस प्राकृत भाषा में मंत्र बनाओ, लेकिन इसकी सिद्धि कैसे, तो मच्छिंद्रनाथ जी को शिवजी ने कहा, जो मुझे गुरु मानता है और जो माता को शक्ति रूप में मानता है, हम अर्धनारीश्वर रूप में हैं, जो कहेगा कि गुरु का आदेश है और गुरु के आदेश से सारा चलता है, उसको यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि जय भोलेनाथ, और नाथ संप्रदाय में आज भी जय भोलेनाथ का मंत्र कहा जाता है। इस प्रकार यह शबरी विद्या शिवजी से नवनारायण से उत्पत्ति हुई और इन मंत्रों की श्रेष्ठता चली। अगर आप अब द्वापर युग को छोड़ देकर कलयुग में आते हैं, आखिरी अगर हम कोई उपनिषद को हम बोलेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की गीता, गीता के बाद कलयुग में आते हैं तो कलयुग में बौद्ध आए, उन्होंने संस्कृत में नहीं पाली भाषा में विद्या को दिया, जैनों ने पाली भाषा में विद्या को दिया, मुसलमानों ने उर्दू भाषा में विद्या को दिया, और वो मंत्र सब अब अपने संस्कृत के मंत्रों से भी संस्कृत मंत्रों के साथ ही काम करने लगते हैं। तो कलयुग में माता पार्वती ने फिलिनी के रूप में आशीर्वाद देते हुए कहा, जो विद्या शाबरी विद्या मेरी विद्या कहलाती है, जो शिव के आशीर्वाद से, जो कहेगा गुरु की आज्ञा और गुरु के मंत्र को लेकर कहेगा कि यह भाव मैं गुरु की आज्ञा से दे रहा हूं, तो उसको वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि हर शाबर मंत्र में कहा जाता है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फिरो मंत्र ईश्वर वाचा, ईश्वर ने कहा है कि मेरी भक्ति रही और गुरु की शक्ति रही तो यह मंत्र सिद्ध हुआ ही हुआ, यह सिद्ध होना ही होना है। अब आप उदाहरण के तौर पर बताऊं तो कलयुग में ऐसा एक श्रेष्ठ व्यक्ति तो बताओ, आदि शंकराचार्य के बाद कोई भी, मिश्र के बाद आज 800 साल के बाद कोई संस्कृत जानकार ब्राह्मण या कोई ऐसा व्यक्ति तो जो यश कीर्ति और सब सम्मान प्राप्त किया, ऐसा एक व्यक्ति तो बताओ। क्यों बोल रहा हूँ ये बात, संस्कृत अपभ्रंश हो गई, संस्कृत को बोलने का तरीका नहीं आया, न न्यास करने का तरीका आया। बाद में जितने भी संत महात्माएं हुए वो लोग प्राकृत भाषाएं वाले ही हुए, आज वही प्रसिद्ध है। संत ज्ञानेश्वर से लेकर आप नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ हो, मच्छिंद्रनाथ हो, कानिफानाथ हो, रेवणनाथ हो, ये सब साबरी विद्या के ही श्रेष्ठ साधक कहलाए। इनके बाद प्राकृतिक मंत्र ही आगे बढ़े। आज इसका बुरा नहीं मानना, संस्कृत का ज्ञान नहीं होने के कारण, संस्कृत के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण, संस्कृत मंत्र को हम जानने के नहीं जानने के कारण, इवन फिर भी वो देवता भाषा है, देवताओं की पूजा करते समय उस भाषा का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं जाके कन्नड़ देश में बैठा हूँ और हिंदी मराठी बात करूँ तो उनको क्या समझ में आएगा, देवता की पूजा करते समय देवता की भाषा बोलनी चाहिए। लेकिन जब भावना की बात आती है तब शबरी मंत्र का उपयोग करना चाहिए, और इस शबरी मंत्र के उद्योग से ही इस कलयुग में सब सिद्ध है। आज इतने मंत्रों को, जो भी मंत्र हो, संस्कृत मंत्र को गुरुमुखता ही लेना चाहिए और गुरु को उसका विधान मालूम करना चाहिए। लेकिन शबरी मंत्र विद्या की एक विशेषता है, मच्छिंद्रनाथ जब शिवजी के पास ये मंत्र लेकर बाहर आए तो बोले ये संस्कृत का जटिल जो विधान है, जटिल विधान क्या, न्यास करना, मंत्रों को उच्चारण करना, उसकी कुल्लुका देखना, उसको उसके अथाह चक्र देखना, उस चक्र में कौन सा मंत्र मुझे हो के आता है, कौन सा मंत्र धनी है, कौन सा मंत्र ऋणी है, ये देखना, इसके बाद मंत्र को करना। अगर कोई कोई मंत्र होता है तो कभी अच्छा फल देता है, कोई मंत्र बुरा फल देता है। मैंने इसके बारे इससे पहले भी मैंने आपको उदाहरण दिया था, उदाहरण ये दिया था कि मैं श्रीशैलम के जंगलों में जा रहा था तो एक आदमी बैठा था जो 12 वर्ष से ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था, केवल ये कहते हुए कि मुझे यहाँ शिव मंदिर बनाना है। उसके विचार भी अच्छे थे, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर रहा था, 12 वर्ष हो गए अपनी उधर भी शिविर स्थल, अपने साधना स्थली, साधना क्षेत्र, साधना मंदिर वहां भी बांधना, जिसे भारत विज्ञान केंद्र के नाम से स्थापित किया, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पे है। वो आदमी वहां बैठा था तो मेरे साथ जो आदमी आया था, गुरुजी आपको एक, आप कुछ ना समझे तो एक बात बोलता हूँ, बोला क्या बात, ये आदमी जो यहाँ बैठा है 12 वर्ष से ओम नमः शिवाय का करोड़ों जप किया है और उसकी इच्छा एक है कि यहाँ शिव मंदिर बांधना, लेकिन उसके बाद शिव मंदिर ने एक पैसा नहीं आता, उसको खाने के लिए भीख मांगना पड़ता है, इतना जप करने के बाद भी ओम नमः शिवाय का उसको कुछ सिद्धि ही नहीं मिल रही, क्या बात। जब मैं उसके पास गया परम पूज्य सद्गुरुदेव की आज्ञा से, जो ज्ञान काल पुरुष साधना मैंने की है, उस प्रश्न से मैंने पूछा कि प्रभु इसको क्यों नहीं सिद्धि हो रही है, इसका मंदिर क्यों नहीं बंधा जा रहा है। तब शिवजी ने कहा, इसको ओम नमः शिवाय जो मंत्र है ये ऋणी है, ये जब तक रहेगा दरिद्र ही रहेगा, इसका काम नहीं होगा।
तो शिव कह रहा था कि इसके लिए क्या करना चाहिए, बोल इसको ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र जप करो। मैं आपको श्रेष्ठता नहीं कहता, ओम नमो भगवते रुद्राय का मंत्र आरंभ किया, 40 दिन में उसका उसको एक बाहर का फाइल वाला आदमी है जो 12 वर्ष से देख रहा था, उसने कहा ये पैसा तेरे मैं मंदिर के लिए दे रहा हूँ, तेरे कहने पर मैं बाहर गया था और ये पैसा ले ले तो मंदिर पा। जब मैं एक वर्ष के बाद वहां जा रहा था तो वहां मंदिर खड़ा हुआ, जब उन्होंने कहा कि मैं आपको इंतजार कर रहा हूँ, आप मुझे मंदिर लेके चले गए, आप कौन है क्या है मुझे पता नहीं, तो मैंने कहा मंदिर हुआ, तो उन्होंने कहा सिर्फ ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र को, शिव जी का ही मंत्र है, उसको देने पर उसको सिद्धि मिली। तो इसका ज्ञान गुरु के द्वारा होना चाहिए कि कौन सा मंत्र हम करना चाहिए, इसका ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक हम उस मंत्र में सिद्धि चाहे करोड़ों वर्ष तक हम साधना संपन्न करें। तब मच्छिंद्रनाथ ने शिव जी को और माँ शक्ति को पार्वती को माना कि ये सारी क्रियाएं धन है, ये मंत्र ऋणी है, हम ये मंत्र करने से हमें सिद्धि होती है नहीं होती है, कष्ट पहुंचता है क्या होता है, हमें ये नहीं मानो, सिर्फ इतना बता दो हम जो भी मंत्र बोलेंगे उसको सिद्धि होनी ही चाहिए, उसमें ऋण धन्य नहीं होना चाहिए, कोई उसका कष्ट भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई मंत्र होगा। मच्छिंद्रनाथ ने जब माता पार्वती और शिव जी से कहा तो शिव जी ने कहा जो गुरु का नाम लेगा और मंत्र दे देगा उसको सारी सिद्धियां प्रदान कर रहा हूं, जो साबर विधान, साबर विधान इसका विधान बताते हुए गए। लेकिन मच्छिंद्रनाथ जब ये साधनाएं सभी को प्रदान कर रहे थे तब उसका दुरुपयोग भी आरंभ हो गया था, और जब गोरखनाथ जी का जन्म हुआ गोरखनाथ जी ने मच्छिंद्रनाथ अपने गुरु के पास कर जा कहा कि प्रभु इन मंत्रों का दुरुपयोग हो रहा है, इसको कुछ ना कुछ बंधन करना, इसको कुछ ना कुछ किरण करना चाहिए। तब मच्छिंद्रनाथ जी ने गोरखनाथ की बात समझ में आई और कहा हाँ मंत्र सिद्धि के लिए मैं, क्योंकि ये लोग तो शुद्ध है ही नहीं और इनके पास न मंत्र बोलने की शक्ति है न मंत्र करने की शक्ति है, और ये कुछ भी बोलेंगे भावना के साथ तो इनको सिद्ध हो जाएगी, देवता बात करने लगेंगे और इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसके लिए इसको कीलित करते हुए मैं एक साबर यंत्र तैयार करता हूँ जिसमें नवनाथों का स्थापन होगा, और उन नवनाथों के स्थापन यंत्र को जो अपने घर में लेकर कोई भी साबर मंत्र करो उसको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, ये निश्चित है, ऐसा करेंगे। और गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ जी ने एक नवनाथ मंत्र की, नवनाथ यंत्र की स्थापना की और कहा साबर विधान में जिसको कभी भी सिद्धि नहीं मिल रही है केवल इस यंत्र को घर में रख लो, आपका काम हो जाएगा, आपको दूसरे मंत्रों को करने की या दूसरे करने की साबर विधान में श्रेष्ठता हो। आज कलयुग में आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्राह्मण जो बहुत सारी साधनाएं करते हैं लेकिन न यश को प्राप्त करते हैं, न कीर्ति को, न राजा होते हैं, न प्रजा होते हैं, न उनके पास उनको खाने के लिए कहीं आगे जाना पड़ता है। और साबर विधान के साधक जितने भी हैं, आज नाम नहीं लेता लेकिन मुख्यमंत्री हैं और ये जहां से भी काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि साबर विधान में आपको केवल गुरु के आदेश को मानना होता है और गुरु की प्रतिज्ञा करनी होती है, वो ये कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, ईश्वर ने कहा है कि मेरी भक्ति है और गुरु की शक्ति है तो मैं जो कह रहा हूं होना ही चाहिए, वो किसी प्रकार का भी कार्य हो। और मच्छिंद्रनाथ और नवनाथ ने जब कीलित इन मंत्रों को किया था तो एक यंत्र जो चांदी के फलक पर करते हुए कहा था, यह यंत्र जिसके घर में रहेगा उसके घर में साबर मंत्र का कोई भी मंत्र करें उसको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा उन्होंने उनको आशीर्वाद देके कहा। और हम आज देखते हैं, मैं बात अगर ठीक कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं आप अच्छी तरह जानते हैं, इस कलयुग में कितने ब्राह्मण संत कहलाए, कितने ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए, मंत्र से उद्धार कितना हुआ ये बता दो, एक नाम बता दो। और मैं बताता हूं जो ब्राह्मण नहीं है जिनमें पारद विज्ञान या संत ज्ञानेश्वर तुकार हो, प्राकृत भाषा में ही करते हुए अन्नमैया हो और आपके संत कुछ जलाराम बापू हो गुजरात के या तुलसीदास जी हो, ये सब लोग इस संसार में श्रेष्ठता के साथ यश कीर्ति और मान प्रतिष्ठा के ग्रंथों की पूजा की जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये माता पार्वती का दिया हुआ आशीर्वाद मंत्र है। ऐसा नहीं कि मैं संस्कृत मंत्र में श्रेष्ठता, संस्कृत मंत्र को करने में जो जटिलता है उसमें आप कहीं यहाँ नहीं छीना वहां नहीं छीना, पानी शुद्ध पीना पानी शुद्ध खाना, आप यहाँ रहना वहां रहना, साबर मंत्रों में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, केवल गुरु को मान लो, गुरु की शक्ति को मानो और मंत्र करो आपको सिद्धि मिल जाएगी। मैं इसका उदाहरण देखने के लिए गत 3 वर्षों के पहले गिरनार पर्वत पर गया और एक साबर मंत्र की साधना करने के लिए गया। वहां
दत्तात्रेय का पहाड़ है, उसके नीचे जंगल जहाँ शेर आदि सब आते हैं, माता काली का मंदिर है, वहां जाकर मैं बैठा और 3 दिन की साधना केवल दूध पे करनी चाहिए।